जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी व जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने गीता प्रेस का किया निरीक्षण। शिव महापुराण के विशेष अंक का करेंगे विमोचन। पहली बारिश में ही नगर निगम के दावों की खुली पोल। महानगर के अधिकतर मोहल्लों में घुसा पानी। नागरिकों ने कहा नहीं होता है नालों की समय से सफाई, बच्चों को पानी में स्कूल जाने में होती है दिक्कत। गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंग बनाकर करता था अपराध, एसएसपी ने किया खुलासा। 10 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ एक शातिर अभियुक्त को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। 3 वर्ष के बच्चे का अपहरण करने वाले 2 अभियुक्त, एक अभियुक्ता को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, बच्चे को किया सकुशल बरामद, एसएसपी ने किया खुलासा। बाढ़ में प्रभावित होने वाले गांव को लेकर प्रशासन की तैयारी हुई पूरी, प्रभारी आपदा अधिकारी राजेश सिंह ने दी जानकारी। गोरखपुर में 4 जुलाई को सावन को देखते हुए बाजारों में बाबा के बुलडोजर वाले टी शर्ट की बड़ी है डिमांड। लोग जम कर कर रहे खरीदारी। माफियाओं पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई से लोगों को खूब भा रहा है बुलडोजर टी शर्ट। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी व जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 जुलाई को संभावित दौरे को देखते हुए गीता प्रेस का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल से दौरे की पूरी जानकारी ली। उन्होंने लीला चित्र मंदिर में जाकर दर्शन भी किया, जिसके संबंध में गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल ने बताया कि हम लोग पीएम के कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साहित हैं। हम लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चला है कि पीएम 7 जुलाई को गीता प्रेस आ सकते हैं, जिसको लेकर अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। अभी कार्यक्रम नहीं है, पीएम नरेंद्र मोदी शिव महापुराण के अंग का विमोचन करेंगे, जिसके लिए हम तैयारी में जुट गए हैं। इस अवसर पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल ने कहा, हम लोग बहुत उत्साहित हैं कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि मीडिया के द्वारा एवं अन्य सूत्रों के द्वारा ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी का 7 तारीख का कार्यक्रम निश्चित होना चाहिए, इस रूप में ही हम लोग इस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अधिकारीगण भी बराबर मीटिंग कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि 7 तारीख का कार्यक्रम प्रधानमंत्री महोदय का गीता प्रेस में होगा। कार्यक्रम किस तरह का रहेगा? कार्यक्रम का अभी पूरी तरह से रूपरेखा सामने नहीं आई है। वो रूपरेखा पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय से आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। हमारी तरफ से ये है कि शिव महापुराण जो कि पहले भी छपता था, लेकिन इस बार विशिष्ट रूप में उसे आर्ट पेपर पर छापकर विशिष्ट रूप में तैयार किया गया है। हमारी विशिष्ट जनता की मांग पर कि एक बहुत सुंदर कलेवर में एक शिव पुराण का बनाया जाए, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होना है। सर, कमिश्नर और डीएम लगातार गीता प्रेस का वो दौरा कर रहे हैं, क्या फाइनल माना जाए कि आएंगे? हम लोग तो इसको इसी रूप में ले रहे हैं, बाकी उसके बारे में वो बता सकते हैं। जनपद में हुई पहली बारिश से गोपालपुर मोहल्ला डूब गया। आपको बता दें कि रात से ही बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से महानगर में अधिकतर मोहल्ले डूब गए। वहीं इस संबंध में गोपालपुर के वार्ड के नागरिकों ने कहा कि नालों की सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी लग रहा है, जो कि हर वर्ष हो जाता है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, सबसे ज्यादा उनको समस्या होती है। वो पानी में गिर जाते हैं तो उनकी पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। यहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए गोपालपुर वार्ड नंबर 19 के नागरिक ललिता यादव, राजेश गुप्ता, हर्ष ने कहा, हर साल की बरसात की यहाँ समस्या है, ये कम से कम 20 साल से ये समस्या है। हमेशा जल जमा हो जाता है। आज पहली बरसात है, अभी हल्का से बारिश हुआ है, ये हाल है। और भरपूर बारिश होगी तो और क्या हाल होगी। कैसे आप लोग आते जाते हैं? बस यही है, देख रहे सामने आने जाने की, उनको भी यही समस्या है। या कोई गार्जियन है कंधे पे उठा के ले जाए, बाइक से उठा के ले जाए उस समय को पहुँचाने के लिए। हर बरसात पहला दिन की बरसात आज ये हाल है।
घुटने भर की पानी लग गई है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। पहली बारिश हुई है, जल जमा हो गया यहाँ पे, तो लमसम डेली ये पानी लग जाता है क्योंकि नाली का सही से सफाई अपाई नहीं होता है और पानी का निकासी भी नहीं है सही से। नाली साफ करने नहीं आते, करते हैं लेकिन निकासी सही नहीं है पानी का। पानी अब आगे जाके रोड हाईवे पे जाके उत्ती हो जाता है, जाम हो जाता है, काफी दिक्कत है पानी के लिए। तो हमेशा यहाँ के कोई सुनवाई नहीं हुआ। सुनो, हमेशा यही होता है कि पानी अभी शाम सवेरे बरसात, आज पहला बरसात है, देखिए कितना अभी ज्यादा नहीं हुआ लेकिन फिर भी पानी भर गया था पूरा रोड पे। राजेश गुप्ता, पहली बारिश में जल जमा हो गया है, कितनी समस्या? हमेशा तो होता है, जब सब लोग अपना अपना नाली बंद कर दे रहे हैं, बारिश का पानी सप्लाई का पानी जा रहा, हर साल तो ऐसे होता है। नाली सफाई नहीं होता है? होता है, होना बेहोना बराबर रहता है हमेशा। सड़क ऊंचा होता जा रहा तभी पे पानी लगता ही जा रहा, हमेशा यही स्थिति रहती है। हाँ, यही समस्या होती है आप लोग आने जाने? बहुत होती है, देखिए ना कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, कोई बीमार रहे तो कहाँ जाएंगे। स्कूल में भी भर जाता था, वो तो प्राइमरी स्कूल ऊंचा हुआ है थोड़ा, तो बच्चे कहाँ जाएंगे, पीछे से आगे से सब तरफ से तो पानी है, पानी हो जाता है। क्या नाम आपका? ललिता यादव। राजघाट थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर अपराध करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान रविन्द्र निषाद पुत्र स्वर्गीय सुंदर निषाद उर्फ भगाने निवासी चक्रा अव्वल हावल बंधा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, ये अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु हत्या का प्रयास, गंभीर चोट कारित करने, गाली गलौज, मकान को अवैध रूप से कब्जा करना व जान से मारने की धमकी देने जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं। इनके गैंग का समाज में भय एवं आतंक व्याप्त है, जनहित में इनका स्वच्छंद रहना सभ्य समाज के लिए घातक है, जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक राजवंश सिंह, ज्ञान प्रकाश सिंह, कांस्टेबल विनोद कुमार, शिवम सिंह, महिला कांस्टेबल अनु सिंह शामिल रही। इस संबंध में गौरव पुन्नी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, संगठित अपराध और माफिया किस्म के व्यक्तियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे व्यक्ति जो गिरोह बना करके अपराध कारित करते हैं, उस अपराध से संपत्ति अर्जित करते हैं और अपना एक गैंग बना करके कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी संदर्भ में गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम साहब के अप्रूवल के बाद थाना राजगढ़ में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस गैंगस्टर एक्ट के मुख्य अभियुक्त रविंदर निषाद, जिसके ऊपर की पूर्व के 25 मुकदमे दर्ज हैं और थाने का सक्रिय हिस्ट्री शीटर है, इसको इस गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अरेस्ट किया गया है। आईपीसी में विभिन्न धाराओं के तहत इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और ये भी जानकारी में आया है कि इसके द्वारा मादक पदार्थों से संबंधित जो लोग उसमें सम्मिलित हैं उनको संरक्षण दिया जाता है। एक गैंग बना करके इसके माध्यम से एनडीपीएस के जो मादक पदार्थ हैं उसको बिकवाया जाता है और उसके धन अर्जित करके अन्य क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उसको यूज़ किया जा रहा है। इसके द्वारा अपनी गतिविधियों को छुपाने के लिए राजनीतिक इसके द्वारा भी अपनी गतिविधियां बढ़ाई गई हैं, चुनाव भी लड़ने का प्रयास किया गया है, तो इसको आज अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। विगत सालों में जो भी इसके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है उसकी भी जाँच की जा रही है। आगे चलकर धारा 14(1) के तहत, गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण और इसके जो अन्य साथी हैं इसके गैंग के उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान राजू निषाद पुत्र रामकरण निषाद निवासी महवा थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 10 ग्राम स्मैक को बरामद किया गया है। रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस
एसटीएम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी शशि भूषण राय, उप निरीक्षक अभिषेक कुमार राय, हेड कांस्टेबल योगेश यादव, कृष्ण कुमार यादव, कांस्टेबल राजेश कुमार वर्मा शामिल रहे। शाहपुर थाने की पुलिस ने 3 वर्ष के बच्चे का अपहरण करने वाले 2 अभियुक्त व 1 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान बैतुल्ला अंसारी पुत्र किताब अंसारी निवासी सेमरी भवानी नवलपुर पश्चिमी चंपारण बिहार, दूसरा नरेंद्र प्रसाद पुत्र रामवृक्ष शाह निवासी सौरेजी सोरेन थाना मीरगंज जिला गोपालगंज बिहार, तीसरा रविता वर्मा पत्नी रमेश वर्मा निवासी नंदा नगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि वादनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि पिछले 1 माह से नंदा नगर थाना शाहपुर गोरखपुर में अपने 3 बच्चों के साथ रह रहे थे। दिनांक 23 जून की रात को अपने 3 बच्चों के साथ सो रही थी और अत्यधिक गर्मी के कारण कमरे का दरवाजा खुला था। दिनांक 24 जून की सुबह लगभग 4:30 बजे जब नींद खुली तो वादनी मुकदमा का सबसे छोटा बेटा अरबाज कमरे से लापता था। वादनी मुकदमा द्वारा हर जगह ढूंढने की कोशिश की गई परंतु कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। थाना स्थानीय पुलिस द्वारा त्रिनेत्र अभियान के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल से पता चला कि एक आदमी आवेदिका के बच्चे को चुरा कर ले जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से बच्चे की चोरी करने वाले अभियुक्त गढ़ की पहचान कर चोरी किए गए बच्चे को सकुशल बरामद किया गया और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 15,000 का इनाम दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में झरना टोला चौकी प्रभारी प्रभात सिंह, महिला कांस्टेबल रागनी यादव, कांस्टेबल प्रदीप कुमार यादव, मुकेश प्रजापति, अखिलेश कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना शाहपुर में 23/24 की रात को एक 3 वर्षीय बालक जिसका नाम अरबाज है, जो अपनी मदर उखराना के साथ वहीं पर रहता था, 23/24 की रात को ये बच्चा वहाँ से मिसिंग हो जाता है। इसकी मदर द्वारा, रुखसाना द्वारा आस पड़ोस और कई जगह पर बच्चे को ढूंढा जाता है। जब 2-3 दिन बाद ढूंढने के बाद उसको सफलता नहीं मिलती है तो उसके द्वारा थाना शाहपुर पर इसकी सूचना दी गई। तत्काल उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस घटना के अनावरण के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसके द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के साथ साथ वहां के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया। उस क्षेत्र में कौन से ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी उसके बारे में जांच करी गई तो ये संज्ञान में आया कि एक बैतुल अंसारी नाम का व्यक्ति है जो पिछले 4-5 दिन से उस एरिया में लगातार घूम रहा था। जो वादिनी है उसकी और उसके बच्चों की दिनचर्या के बारे में जानकारी कर रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। इस चीज़ को जब सीसीटीवी कैमरा से माध्यम से वेरीफाई किया गया तो ये बात क्लियर हुई कि रात के समय पर बैतुल अंसारी नाम का एक व्यक्ति जो कि उसी क्षेत्र में रहता था और टेलर का काम करता है, उसके द्वारा इस बच्चे को वहाँ से चुराया गया है और फिर लेटर ऑन उसके द्वारा इस बच्चे को एक रविता वर्मा नाम की महिला, उसको हैंडओवर किया गया। इस पूरी घटना में जब जो अभियुक्त है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो घटना का पूरा इसमें अनावरण हुआ है। जो 3 साल का बच्चा है अरबाज, उसको रिकवर किया गया है, वो सकुशल है, उसको उसकी मदर को हैंडओवर कर दिया गया है। इस घटना के पीछे की कहानी निकल के आई है कि रविता वर्मा जो है इसके पहले से 3 पुत्रियाँ हैं और इसको लड़के की प्राप्ति की चाहत थी जो कि किसी कारण से नहीं हो पा रहा था। ये जो बैतुल अंसारी नाम का व्यक्ति है ये 4 महीने से इसी के यहाँ पर टेलर का काम कर रहा था। इसके द्वारा यह योजना इसके साथ शेयर की गई, लालच में आकर के बैतुल अंसारी द्वारा ये घटना कारित की गई। इन दोनों के अतिरिक्त इस घटना में जो ये महिला है इसके पिता भी शामिल है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर हैंड ओवर होने के बाद ये जो महिला है सविता वर्मा, इनके पिता नरेंद्र प्रसाद जो कि बिहार में रहते हैं गोपालगंज में, उनके द्वारा ये बच्चा यहाँ से ले जाया गया। इस पूरी घटना का सफल अनावरण बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया है और बहुत ही एक गंभीर घटना इसका अनावरण करते हुए एक बच्चे को उसकी मदर के साथ मिलाया गया है, जिसके लिए मैं इस पूरी टीम को 15,000 रुपये का नगद इनाम घोषित कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त आपके माध्यम से जनपद गोरखपुर के सभी वासियों को सूचित भी करता हूं कि यदि ऐसी कोई भी घटना
छोटे बच्चों के संबंधित आपके संज्ञान में आती है तो तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दें, सूचना दें। और अगर कोई इस तरह का व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति आपके घर या आपके आवास या इस तरह की चीज़ों की गतिविधियों को पहुंच सकता है तो उसकी भी सूचना दें ताकि ऐसी घटनाएं आगे चल के कारित ना हो। जनपद में बाढ़ में प्रभावित होने वाले गांवों को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जो गांव नदी के किनारे बसे हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिसमें 150 गांव प्रभावित हैं, इसलिए ऐसे नागरिक अपने आप को तैयार रखें। हम लोग उनके गाँव के प्रधान से संपर्क बनाए हुए हैं, इसके अलावा तहसील के स्टाफ भी संपर्क बनाए हुए हैं, यदि किसी तरह की कोई समस्या होगी तो तत्काल उनकी मदद की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए राजेश कुमार सिंह ने कहा, गाँव नदी के किनारे बसे हैं उनको हम लोग टेक्निकल टर्म में LFL और HFL कहते हैं, लो फ्लड लेवल वाले गांव और हाई फ्लड लेवल वाले गांव। अर्थात प्रारंभ में कौन कौन से गांव ऐसे हैं जो प्रभावित होते हैं और जब हाई फ्लड लेवल होता है तो कौन से गांव प्रभावित होते हैं। तो मेरा अनुरोध है LFL के हमारे यहाँ लगभग 150 गाँव के आसपास जो लो फ्लड लेवल में हैं, नेचुरली जब HFL होगा तो LFL बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, उन गांवों के जो निवासी हैं मेरा विनम्र अनुरोध है, मेरी उनसे अपील है कि वे अपने आप को पूर्णतया तैयार रखें। हम लोग उनके साथ संवाद बनाए हुए हैं उनके ग्राम प्रधान जी के माध्यम से, तहसील का स्टाफ उनके संपर्क में है, यदि कोई भी बात ऐसे होती है हमें वैसे एडवांस में मालूम हो जाता है, फिर भी मेरे मोबाइल नंबर 94 54 41 76 15 राजेश कुमार सिंह ADM फाइनेंस गोरखपुर को कोई भी सूचना दे सकते हैं। हाँ, ऐसे गांव जहां पर नदी का पानी चारों तरफ से गांव में गांव को घेर लेता है उन्हीं को हम लोग मैरून गांव डिक्लेयर करते हैं और वहां पे राशन सामग्री आदि का वितरण कराते हैं, पर्याप्त वितरण कराते हैं। गोरखपुर में सावन को देखते हुए बाजारों में गेरुआ रंग के कपड़े की जमकर बिक्री हो रही है। आपको बता दें कि गोरखपुर में सावन को देखते हुए बाजारों में गेरुआ रंग के कपड़ों की जमकर बिक्री हो रही है। इसके अलावा सबसे ज्यादा मार्केट में बाबा के बुलडोजर वाले टी शर्ट की सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। लोग बाबा के बुलडोजर वाले टी शर्ट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि 4 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। लोग भगवा कपड़ों को पहनकर बाबा धाम जाकर बाबा को जल चढ़ाते हैं जो कि इस बार पूरा 55 दिन चलेगा। वहीं इस संबंध में दुकानदारों का कहना है कि इस बार बाबा के बुलडोजर टी शर्ट की डिमांड ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा महाकाल कुर्ता भी लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह प्रदेश में माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है उससे लोग बुलडोजर को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से सावन में बाबा के बुलडोजर टी शर्ट की बिक्री बढ़ी है। थोड़ा सीधा करिए, चमक रहा है, इधर उधर घुमाइए, सीधा 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 चमक रहा है ना, सीधा करिए। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए दुकानदार संदीप कसौधन, ज्ञानेश्वर प्रसाद गुप्ता, नंदलाल जायसवाल ने कहा, यहाँ पे आप लोग सावन शुरू होने वाला है, नारंगी कपड़ों की बिक्री कर रहे हैं, कौन से सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है? यही महाराज योगी आदित्यनाथ जी वाला, ये जो बुलडोजर लोग बना हुआ है इसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। किस तरह के आए हैं टी शर्ट्स बनने? यही महाकाल कुर्ता है, फिर ये योगी आदित्यनाथ जी का, महाराज जी का जो बुलडोजर टी शर्ट, ये सब ज्यादा बिक रहा है, सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। एक संदेश दिया जा रहा है एक तरह से, क्या संदेश दे रहे हैं लोग? अरे जो गलत करेंगे उनके साथ गलत होगा, बुलडोजर चलेगा। जी जी, क्या नाम है आपका? संदीप कसौधन। किस तरह के इस बार कपड़े आए नए तरह के? सारे कपड़े आ चुके हैं गोरखपुर में, जो आना था वो आ चुका है, जो नया नया डिजाइन भी आया हुआ है, इतना डिजाइन आया कि हम लोग खुद नहीं बता पाएंगे कि क्या क्या डिजाइन आया। सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद कर रहे हैं? वही योगी जी का बात पसंद करेंगे, बुलडोजर वाला। हाँ, योगी जी का जो बुलडोजर वाला छपा है वो है, प्रधानमंत्री मोदी जी का है वो छपा है, वो भी है। इस तरह समझिए मैसेज दिया जा रहा है। हाँ बस, क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि भाई समझ जाओ, अब से नहीं तो बुलडोजर चलेगा। क्या नाम आपका? ज्ञानेश्वर प्रसाद गुप्ता। तो कौन से बाबा धाम जाने के लिए कपड़े पसंद करते हैं? योगी जी वाला और मोदी जी वाला। क्या कारण है कि वही पसंद करेंगे? अरे उन्हीं का, उनको लोग पसंद करते हैं इसलिए ज्यादा लोग पसंद करते हैं। अच्छा, अभी कौन से कपड़े आप ले रहे हैं? किस तरह के? वही बाबा धाम वाला कपड़े ले रहे हैं। कब से काम शुरू हो रहा है? 4 तारीख को।
क्या नाम है आपका? नंदलाल जायसवाल।